देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली में राजनीति से अलग जन कल्याण करने की लोगों से की गई अपील। जन कल्याण व समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, जैसा कहते आम आदमी पार्टी के नेता हर्षद जैन। आम आदमी पार्टी के नेता हर्षद जैन ने कहा कि जन कल्याण और समाज सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। मंगलवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर बात करते हुए उन्होंने देश के सभी लोगों से स्वार्थ व राजनीति से अलग हटकर जन कल्याण की दिशा में कार्य करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के नेता हर्षद जैन ने सरस्वती विहार वार्ड के APJ स्कूल के सामने काली माता मंदिर पर अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने भंडारे का लुफ्त उठाया, साथ ही साथ सभी को गन्ने का रस भी पिलाया गया। इस अवसर पर जन्नत की पुकार ने हर्षद जैन से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं सकूर बस्ती में, जहां पर अक्षय तृतीया के त्यौहार के अवसर पर भंडारा वितरण किए जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता हर्षद जैन जी। जैन साहब, कितने लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? 10,000 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है और आज अक्षय तृतीया का पर्व है तो गरीबों को हम अपना जैसे भोजन वितरण करना चाह रहे हैं, गन्ने का जूस वगैरह देना चाह रहे हैं। हमारे जैन धर्म में कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर ने गन्ने के जूस से पारणा लिया था, तो आज गन्ने का जूस भी हम वितरण कर रहे हैं अपने। जैसे हमने देखो, धर्म के लिए तो हम सबसे आगे हैं, ये धर्म के किसी हर कार्य में। जैसे गौ माता का हमने खोर वगैरह स्थापित कराई बहुत अच्छी पूरे वार्ड में, कंबल वितरण किए अपने कर्मचारियों को, सोसाइटी के फ्लैट के सदस्यों को, आज भोजन का वितरण का कार्य करने जा रहे हैं और ये कार्य चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। लोग कहते हैं कि इलेक्शन का डेट टल गया, चुनाव टल गया, तो हर्षद जैन जी ने वोट लगाना बंद कर दिया, पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, कितना सही है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है कि थोड़ा सा डिले हो गया है, तो अब थोड़ा सा ये कि हम थोड़ा कार्य में पूरे अपने एक्टिव हैं। आज हमने ये भोजन का कार्य वितरण किया है, कल और दूसरा कार्य करेंगे और करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा काम धर्म से संबंधित जितने भी कार्य हैं, समाज का अपना जो अपने बाढ़ के लिए सेवा, जनता की सेवा के लिए करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता है दीपक मदान दीपू जी, जो मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया है कि उनसे उन्होंने 1,15,00,000 रुपए ठग लिए, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या सही है, क्या गलत है? देखिए व्यक्तित्व तो अभी ये देखिए ना, ये आपका अभी पैसा कहीं तो नहीं चला गया, चुनाव होना कोई नेता तो नहीं ले लिया आपसे भी? हमारा ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारे तो सत्येंद्र जैन जैसा व्यक्ति मैं कहता हूँ पूरे भारत देश के अंदर, हमारे जगत संसार में कोई नहीं है। हमारे और बहुत ही अच्छे मतलब प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और जो भी ऐसे लोग व्यक्तित्व उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगाया है ये अपने आप में मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है और इस तरह की आप व्याधियाँ समाज में ना फैलाएं और अपना समाज के कार्य में लग जाएं, जुट जाएं, समाज का कल्याण करें, जन का कल्याण करें, बस उस कार्य में अपना समय लगाएं ना। आज हम जो लगा रहे हैं अपना अपने घर से पैसा लगा करके, अपने घर के कार्य से लगा करके, अपने कार्य को छोड़ करके समाज की सेवा में लगे हैं। आप समाज की सेवा में लगिए, किसी के ऊपर कीचड़ फैलना बड़ा आसान है। किसी को मैं सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ कि संसार जगत में कोई भी कह सकता है कि मैं किसी को भी मार दूंगा। अरे मारना तो कोई भी व्यक्ति मार सकता है संसार जगत में, लेकिन किसी को जीवन दान देना कोई हर कोई नहीं दे सकता। मृत्यु कोई भी दे सकता है, लेकिन जीवन स्वयं भगवान शिव दे सकते हैं, तो मने तो उसके समान मने। आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने केजरीवाल को लेटर लिखा है कि अजान पर जो लाउड स्पीकर लगाया जाए उसको हटा दिया जाए। अब देखिए इतने राजनीति में मत पड़िए जायसवाल साहब, हमने तो आज भंडारा कर दिया, ये भंडारा का कार्य सबसे हमें आत्मसंतुष्टि है, हमें बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली है और ये कार्य सबसे बढ़िया लगा और सबसे बढ़िया ये कार्य इसी चीज़ में रहने दिए, ज़्यादा उसके अंदर मतलब डीप में ले जाइए। बाकी जो है देखिए हमारी पार्टी है सबसे अच्छी पार्टी है, आपकी पार्टी है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं, मैं इतना जानता हूँ। तो ये टिकट और जो पैसे का लेन देन जो चल रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, अब मैं इसके बारे में देखिए मैंने कहा ना आपसे, ये सब अपने आप में
लोग अपने आप में गंदे हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आज मैं जैसे अब समाज के अंदर मैं अपने घर से पैसा लगा रहा हूँ, कुछ लोगों ने हमारी पार्टी के लोगों ने ये भी कहा है कि हर्षद जैन हमारी पार्टी के लोगों से चंदा मांग रहा है, चंदा मांग रहा है। हर्षद जैन चंदा मांग करके ये सब कार्य कर रहा है, कौन किसको क्या चंदा दे रहा है। मेरे पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, हमारे एक व्यक्तित्व ने हमारे हमारे ऊपर आरोप लगाया इस तरीके का, तो वो तो देखिए अब लगाने को तो कोई भी कुछ कह सकता, आप भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आपको भी टिकट के लिए आश्वासन वगैरह मिला हुआ था ऊपर से? देखिए टिकट के आप छोड़ दीजिए, टिकट वगैरह हमें टिकट बाद की बातें हैं, आप इन चीजों में जयसवाल जी राजनीति के ज्यादा उससे बना रही है, रिक्वेस्ट आपसे, हम तो इतना ही जानते हैं कि समाज की सेवा कीजिए, आप सेवा करेंगे। आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने सेवा करी है और सूर्य का प्रमाण, सूर्य को अपना प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सूर्य अपना उसका प्रमाण अपने आप में साक्षीभूत है, कि सूर्य का प्रमाण जो है ना उसको अपना प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, अपने आप में साक्षीभूत है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता हर्षद जैन जी, मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।